हेलमेट पहनने की पासदारी किसका काम, किसकी जिम्मेदारी? पेट्रोल को हेलमेट से मशरूत करने की तजवीज़ अच्छी है लेकिन अमल दरामद नहीं हो सकता। पेट्रोल ना देने से मुतल्लिक कोई कानून नहीं, कमिश्नर लाहौर ने सीटीओ की तजवीज़ का जवाब दे दिया। 3 दिन पहले सीटीओ लाहौर का कमिश्नर लाहौर को लिखा मरासला खूब खाते पड़ गया। शहर के 18 बड़े अस्पतालों में से 17 के इमरजेंसी डिजिटल एक्सरे मशीन से महरूम, दहाइयों से सादा एक्सरे मशीन दुरुस्त तशखीस करने में नाकाम, रिजल्ट साफ ना होने पर मरीज के इलाज में मुसलसल कोताही, डॉक्टर मरीजों को प्राइवेट एक्सरे करवाने पर मजबूर करने लगे। पीएमएस के तहत अफसरान की भर्तियां करने का फैसला। पीएमएस के इम्तिहान के तहत 44 आसामियों पर भर्ती की मंजूरी ली जाएगी। 32 आसामियों पर ओपन मेरिट, 9 आसामियों पर स्पेशल जोन के मुताबिक भर्तियां करने की मंजूरी ली जाएगी। पंजाब हुकूमत ने मुकाबले के इम्तिहान के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को मरासला जारी कर दिया। सानहे मोरल टाउन केस में बड़ी पेशरफ्त, सुप्रीम कोर्ट ने नई जेआईटी के कायम के लिए 5 रुकनी लाजूर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस आसिफ सैद खोसा भी बेंच का हिस्सा होंगे। नई जेआईटी बनाने के मामले पर अदालत तलबी, शहबाज शरीफ का पेशी से इनकार, साबिक वजीर आला ने लिख कर दिया वो पेश नहीं होना चाहते। डीजी नैब सलीम शहजाद, शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर ने तैयारी के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। मेरा कोई कसूर नहीं, जो चीफ जस्टिस हुक्म दे वो कबूल होगा। गुल्लू बर्ट दौरान समात तस्वीर करता रहा। सानहा मॉडल टाउन के मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरा, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक, अदालत के बाहर शदीद नारेबाजी। मुजाहरीन की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की अपील। लार्जर बेंच बनाने के फैसले पर अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिर क़ादरी का खैर मकदम, इंसाफ के लिए सारी उम्र भी लगानी पड़ी तो लगाएंगे। खुर्रम नवाज गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। किस अफसर ने नैब को कितनी रकम वापस की, लाहौर न्यूज ने सुराख लगा लिया। पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज के ब्यूरोक्रेट्स ने मजमूई तौर पर 43 करोड़ 80 लाख वापस किए। कौमी एहतसाब ब्यूरो को वापस किए जाने वाली रकम की तफसील सिर्फ लाहौर न्यूज पर। सबसे ज्यादा 2,83,51,000 रुपए वसीम अजमल चौधरी ने दिए। नासिर जावेद ने 2,07,70,000 रुपए नैब को वापस किए। डॉक्टर सुहेल अनवर ने 1,20,86,000, अकबर नासिर खान ने 1,05,95,000, अली सरफराज हुसैन ने 1,99,17,000 नैब को वापस किए। सुबाई वजीर मियां महमूद रशीद के बेटे के मामले का ड्रॉप सीन, पुलिस का यू टर्न, हसन महमूद समेत तमाम अफराद बेगुनाह, पुलिस एहलकार ही कसूरवार करार। एहलकार नदीम इकबाल, उस्मान मुश्ताक और उस्मान सईद पर महकमे की बदनामी का नाम लगा दिया गया। 20,000 रुपए के रकम छीनी और मजीद 50,000 का मुतालबा किया। तमाम एहलकार आदि मुजरिम हैं, एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज, हुए गिरफ्तार, स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार, नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश। कत्ल या खुदकुशी, आरिफ टाउन में घर से 27 साल नौजवान की फंदा लगी लाश बरामद, फराज घर दमाद था। वरसा ने फराज की बीवी और उसके घर वालों पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल, जबकि जोहर टाउन B1 ब्लॉक के मकान से शहजाद सलीम नामे 60 साल शख्स की लाश मिली। कई नई फोर्सेस के क्याम के बावजूद भी संगीन जराइम की वारदातें थम न सकी। रवां बरस सूबे भर में अगवा बराए तावान की 45 वारदातें, कई बच्चों और खवातीन को अगवा कर लिया गया। सिर्फ घरों में 12,000 से ज्यादा डकैतियां, डकैती मजामत पर 134 बेगुनाह शहरियों को कत्ल किया गया। कारें और मोटरसाइकिल्स छीनने और चोरी की 15,740 वारदातें हुई। मुसाफिर खानों की तामीर में पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जियाँ, लाहौर न्यूज की निशानदही पर पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक्शन ले लिया।
टेंडर से कबल रेलवे स्टेशन मुसाफिर खाने पर तामीर शुरू करने पर पेपरा ने एलडीए को नोटिस भेज दिया। टेंडर जारी करने के बाद 15 दिन के अंदर ही तामीरात का आगाज किया। बिट खुलने और जमा करवाने की तारीख में मुबैना खिलाफ वर्जी की गई। नोटिस का मतलब चार माह गुजर गए, कंपनीज और अथॉरिटी के बोर्ड तश्कील पाए, ना ही चेयरमैन का तकर्र हो सका। अहम नौइयत के मंसूबे रुक गए, सियासी ओहदों पर तैनाती का इख्तियार वज़ीर-ए-आला के पास है। पंजाब हुकूमत की जानिब से बोर्ड ना बनाना फैसला साजी में बड़ी रुकावट बन गया। अर्बन यूनिट, LWMC, पार्किंग कंपनी, कैटल कंपनी, एजुकेशन, हेल्थ और फूड अथॉरिटी के इंतजामी अमूर शदीद मुतासर। शहर के मास्टर प्लान 2040 की तैयारी में अहम पेशरफ्त। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोभा प्लानिंग ने महल वकू के पेश नज़र तजावीज़ तैयार कर ली। मास्टर प्लान 2040 की तैयारी और अमल दरामद की जिम्मेदारी एलडी के सपोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने तमाम जोन्स में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रिहायशी और खादर एरियाज का असर नो तयन कर दिया है। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा नई हुकूमत के लिए इम्तिहान बन गया। मंसूबे के डिजाइन में तब्दीली और लागत में इजाफे का मामला हल ना हो सका। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के रिवाइज्ड डिजाइन, जबकि महकमा खजाना ने इजाफी लागत की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। जराए का कहना है कि मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए LDA को जाती वसाइल इस्तेमाल करना पड़ेंगे। क्या वो लोग मुआफ़ी के काबिल हैं जिन्होंने इस कौम को गंदा पानी पिलाया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 11 कंपनियों के मालिकान को आज सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट तलब कर लिया। एतजाज़ अहसन के मुकदमे की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। आप क्या चाहते हैं कि मैं समझौता करके बरतानिया के दौरे पर चला जाऊँ? चीफ जस्टिस का एतजाज़ अहसन को जवाब, आज पेश ना हुए होने पर कंपनियों के मालिकान के नाम ECL में डाले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मजीद मोहलत देने से इनकार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ट्रायल 3 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज ने समाअत मुकम्मल करने के लिए मुद्दत में तौसी करने की दरख्वास्त की थी। नवाज शरीफ की तरफ से ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए। मियां महमूद रशीद साहब, पंजाब में किसकी हुकूमत है? चीफ जस्टिस का सूबाई वजीर से इस्तफसार। तहरीक इंसाफ की महमूद रशीद का जवाब, सारे शहर का गंदा पानी रावी में फेंका जा रहा है, आज तक वाटर फिल्ट्रेशन का काम ही नहीं हुआ, ये काम किसने करने हैं? जस्टिस साकिब निसार ने हुकूमत से एक हफ्ते में वाटर फिल्ट्रेशन से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल की बहाली के लिए अस्खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। हमने 6 हफ्तों में इस हॉस्पिटल को बहाल करना है, मैं अपना चेकअप इसी हॉस्पिटल से करवाऊंगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। अदालत का हॉस्पिटल के क्वार्टर्स में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद पर सख्त एक्शन। DIG लीगल से काबिज अफराद से किराए कीमत में रकम वसूल करने से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के साबिक कमिश्नर अफजाल भट्टी का नाम ECL से निकालने का मामला, वाजिब अदा रकम की अदायगी से मशहूर अफजाल भट्टी 50 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा कराने को तैयार हैं। DG NAB लाहौर, 65 लाख कौमी खजाने में जमा करा दें तो आजाद हैं, नाम ECL से निकाल दिया जाए। अदालत डेंगी मच्छर ने एक बार फिर पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। शहर के अस्पतालों में इलाज के लिए आए मजीद 3 अफराद में डेंगी की अलामात जाहिर। मुश्तबा मरीजों की कुल तादाद 1704 हो गई। डेंगी के शिकार 14 कन्फर्म मरीज हॉस्पिटल्स में जेर इलाज। केनाल रोड के अंडरपासेस की हालत इज़दार, लाहौर न्यूज ने उठाई आवाज, तो LDA और टीपा हरकत में आ गए, कहीं बैरियर्स की तंसीब शुरू तो कहीं नई शील्ड बार और साइन बोर्ड आवेजा कर दिए गए। 20 करोड़ रुपए से डॉक्टर अस्पताल से मुगलपुरा तक अंडरपासेस की हालत बेहतर बनाई जाएगी।
पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल एहतसाब अदालत ने सोसाइटी के डायरेक्टर कैसर अमीन भट्ट को 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। कैसर, क्या अपनी बार्गेन करना चाह रहे हैं? अदालत का इस्तफसार, जी मैं तैयार हूँ, जितने का हिस्सादार हूँ। कैसर अमीन भट्ट का जवाब, अदालत का मुलजिम को 4 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। कैसर अमीन भट्ट 4 रोज से नैब की तहवील में थे। पंजाब पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों का मामला, नैब लाहौर ने जालसाजी से भर्ती होने वाले मजीद 9 स्टेनोग्राफर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में फैसल मुश्ताक, अब्दुल कयूम, आबिद मकबूल, रेहान अनवर, राशिद महमूद, यासिर अली, शाहिद अमीन और नईम असलम शामिल। मस्कुरा केस में नैब पुलिस के आला अफसरों को पहले भी तलब कर चुका। महकमा सुई गैस के दावे धरे के धरे रह गए। सर्दी आई तो सुई गैस छूट गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश का सिलसिला जारी। इचरा के इलाके नवाबपुरा के राशि गैस की तवील बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। 3 साल से गैस बंदिश के मसले का सामना है। बच्चे भूखे स्कूल जाने पर मजबूर हैं। मुजाहरीन की दुहाइयां। नवाज शरीफ का मुस्तकबिल स्याह है। अगर कोई डाकू या चोर है तो इसे चोर या डाकू के नाम से ही बुलाएंगे। नून लीग में कुछ अच्छे चेहरे भी हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वफाकी वजीर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर आप कौम के लिए काम कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं। सरकार और आवाम का पैसा हो उसे खाना कहाँ का इंसाफ है। करप्शन करने वाले खुद को हीरो बनाकर पेश करते हैं। कोई मीटर रीडर और कोई बैम्बिनो सिनेमा का टिकट ब्लैक करने वाला सियासतदान है। सुबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान के मुखालिफीन पर लफ्जी वार, बोले लुटेरे पर हाथ डाला जाए तो पार्लिमानी निजाम खतरे में पड़ जाता है। तबाही और बर्बादी का बुनियादी सबब करप्शन है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने डॉक्टर्स की मराहत में इजाफा नागजीर करार दे दिया। कहा मराहत में इजाफे के बाद खाली असामियों पर भर्ती में मदद मिलेगी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और वज़ीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जवाब बख्ती ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में डॉक्टर्स की तनख्वाहों के लिए खैबर पख्तूनख्वा मॉडल ज़ेर गौर आया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में एक रोज बाकी रह गया। नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत में हर दिल सरशार, शहर की गली गली कूचा कूचा नगर नगर जगमगा उठा। सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागा, झंडियाँ, बरकी कुमकुमें और दीगर सामान। गणपत रोड पर सजावटी अशिया खरीदने वालों का रश। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद उमड़ आई। रबी अव्वल रहमतों और बरकतों का महीना। महकमे औकाफ और वजारत मजहबी अमूर के ज़ेर एहतमाम अल्हम्ब्रा में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर औकाफ सैयदुल हसन, खतीब बागचाही मस्जिद मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद, इलामा डॉक्टर रागिब नईमी और गैर मुल्की उलमा मशाइख की शिरकत। खत्म नबूवत पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, मुकर्ररीन का खिताब। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिले में अल्हम्ब्रा आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे तमाम महफिल नात सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने बारगाह रिसालत में नजराना खिदमत पेश किया। नात खानों की खूबसूरत आवाज़ों में मद्दा सराई से महफिल मुअत्तर रही। महफिल मिलाद के आखिर में मुल्क कौम की सलामती के लिए भी दुआ की गई। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। तालिबात की जानिब से बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करके समा बांध दिया गया।
پی ایچ انتظامیہ کا نچلے درجے کے ملازمین سے ناروا سلوک، شدید معاشی مشکلات کے شکار، مالیوں کے لیے ایک اور مشکل، اتھارٹی انتظامیہ نے ڈیلی ویجز مالیوں کو اجرت سے محروم کر دیا، پی ایچ انتظامیہ نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا ملبہ خالی خزانے پر ڈال دیا۔ دیہات میں ٹوائلٹس کے نظام کے بہتر بنانے کے لیے آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ کلین اور گرین پاکستان کے حوالے سے حکومت ماحول کو صاف رکھنے کے لیے کوشاں ہے۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا پلیٹس ہوٹل میں ورلڈ ٹوائلٹ ڈے کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ اور فلیٹیز ہوٹل میں سابق ایس پی سی آئی اے عمر ویر کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب، چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود، آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی، سابق آئی جی حاجی حبیب الرحمان، بلال یاسین، سہیل احمد عزیزی، احمد رضا طاہر، مبشر میکن، چوہدری شفیق، ایس ایس پی طارق عزیز، عبد الرب اور جواد ڈوگر کی شرکت۔